हेलो दोस्तों, मैंने सब्जी सूंघ दी है। वो धीरे धीरे पक रही है और अच्छा नहीं लग रहा है। अकेली बैठी हुई हूँ और मेरी बेटी सो रही है पीछे, देख लीजिए। सो रही है और देख लीजिए, जब मैं खाना बना रही थी तब तो मैंने जूड़ा बना रखा था, और अभी भी बाल ना गीले हैं क्योंकि धूप नहीं निकल रही है ढंग से। और मुझे धूप में सुखाने का ना फ्रेंड्स टाइम भी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि काम काम करो घर का, फिर उसके बाद नहाओ, फिर उसके बाद बच्चों को देखो, घर का मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो अभी सब्जी छोंक के मैंने सोचा कि थोड़े से बाल खोल लेती हूँ, सूख जाएंगे। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, मैंने बाल अपने यहाँ तक कटवा लिए हैं, ये यहाँ तक, और सही लग रहा है मुझे, हल्का हल्का सा फील हो रहा है। फ्रेंड्स, बाल मैंने कभी नहीं कटवाए तो सोचा कटवा लेती हूँ, ये तो अपनी ही खेती है, ये तो बड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कटवा लिया और इतने ही रह गए, मेरे बाल जल्दी बड़े होते हैं तो इसलिए कटवा लिया। और परेशान भी थी मैं इन बालों से, अभी सही है, छोटे हो गए, हल्के हो गए। और शादी में जाने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे, तो फ्रेंड्स मैं ऐसे ही नहीं कि बस बोल दिया तो मैं फटाफट से तैयार हो जाऊं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ही सब कुछ तैयारी करनी पड़ती है, बच्चों को तैयार करना पड़ता है, उनके कपड़े वगैरह मुझे ही करना पड़ता है। और फिर इधर से मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं मैं क्या पहनूं, मैं क्या पहनूं, तो सबका देखना पड़ता है। तो मैं जैसे मैं जाती हूँ तो मैं एक दिन पहले ही तैयारी करती हूँ कि मुझे क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनना है, तो मैं ना सारा सब कुछ ढूंढ ढांड के एक दिन पहले ही निकाल लेती हूँ और फिर ऊपर ही रख देती हूँ। या तो कहीं पर जैसे मेरे साड़ी का सेट बना हुआ है उसको टांग दिया, या बेड के अंदर ही सेट बना के रख दिया। और बच्चों का भी ऐसे ही है, और तुरंत ही बोलो कि चलो तो ऐसे नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जब तैयार हो जाओ लेट हो जाता है, फिर मतलब हम पर ही आता है सारी बात हम पर ही आती है कि लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, चलो जल्दी करो, जल्दी तैयार हो। तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने मना कर दिया, मेरी कोई तैयारी नहीं हो रखी थी। और मम्मी पापा का भी देखना था, और फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ बैठे बैठे ना शेयर कर दूं अपनी बातें, क्योंकि किससे करूं और शेयर, कोई बात करने वाला ही नहीं है, मैं अकेली हूँ। और फ्रेंड्स कोई तो होना चाहिए बात करने के लिए, है ना। और इसलिए मैं जल्दी से कोशिश में हूँ, मेरी बेटी जल्दी से बड़ी हो जाओ, मेरी त्रिशा और खुशी अभी तक छोटे छोटे हैं, फिर मैं इनसे ही बातें करूंगी। और इस घर में तो कुछ ठीक ठाक नहीं है, कोई बात नहीं करता एक दूसरे से, सब जलते रहते हैं एक दूसरे को देख देख कर। ओह, फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता ना जबरदस्ती किसी के पास बैठना। सब अपने अपनी लाइफ में खुश हैं फ्रेंड्स, क्या बताऊं मैं। इसलिए तो मैंने ये यूट्यूब खोला ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, तो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वो जो लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है वहां पर क्लिक कर देंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल आइकन भी है वहीं बगल में ही, बेल को दबा देंगे तो सबसे ऊपर वाला जो नोटिफिकेशन होता है वो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगी फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं सब्जी देख लेती हूँ, नहीं तो मेरी बातें तो कभी खत्म नहीं होने वाली और मेरी सब्जी जल जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मस्त हैं। और शाम हो गई है, आज का व्लॉग मैं शाम से शुरू करूंगी, और चाय वगैरह पी ली है, और मेरे हस्बैंड चले गए हैं शादी में, पार्टी थी वहां पे, तो पार्टी मुझे भी बोला था जाने के लिए मगर मैं गई नहीं, क्योंकि मुझे मम्मी पापा का भी खाना बनाना था और बेटी भी है छोटी, तो फ्रेंड्स इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, तो मैंने बोला आप चले जाओ। और खुशी भी गई है साथ में फ्रेंड्स, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे, छोंक रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ, मिक्स सब्जी और दाल और चावल, तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दे, और नई हूँ है तो सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से।